हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेजर कृषि क्लासेस यूट्यूब चैनल। एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। एनडीएस पेरेंट्स, एनडीए 1 2023 की एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है और ये एप्लीकेशन फॉर्म आप 10 जनवरी शाम 6 बजे तक फिल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की पूरी अपडेट, पूरी डिटेल आपको कल सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर दोपहर 1 बजे बता चुके हैं। आप सबने उस वीडियो को देखा है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके तुरंत देखिए। इस वीडियो में हम NDA 1 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के पूरे प्रोसेस को समझेंगे, यानी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या नहीं करना है, ये सारी बातों को समझेंगे और मेरे बताए तरीके के हिसाब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि साइबर कैफ़े पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की वजह से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप सबको प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, एक एक स्टेप, एक एक डिटेल को ध्यान से समझिएगा और फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, सबसे पहले आपको upsc.gov.in यानी यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट इस तरह ओपन होता है। इस वेबसाइट पर आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन में दिख रहा होगा एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन 1 2023। हमें इसी का फॉर्म फिल करना है, हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और लिंक, ये दो ऑप्शन आपको दी गई है। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद आपको पूरी नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे एक एक डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारी डिटेल्स आपको सौरभ सर ने कल लाइव में बता दी है। हम वापस उसी पेज पे चलेंगे, लिंक सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। लिंक सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक पेज दिखेगा। यह पेज वन टाइम रजिस्ट्रेशन का है। यूपीएससी ने एग्जामिनेशन से कुछ महीने पहले ही इस प्रोसेस को लागू किया है और आपको उसी टाइम बताया दिया गया था कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको हर बार एनडीए या किसी भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्ज़ाम के लिए हर बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी आप एक बार रजिस्टर कर लीजिए और आप मल्टीपल टाइम्स उसी रजिस्ट्रेशन आईडी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं पहले से, तो आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी के जरिए लॉगिन करना है और फिर चेक करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे आपको अपना नाम देना है, आपको अपना नाम वेरीफाई भी करना है, आपको अपना पूरा नाम देना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट का पूरा नाम अलग होता है बट उसके आधार कार्ड या मैट्रिकुलेशन में नाम अलग होता है। आपको अपना जेंडर वेरीफाई करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, आप जिस डेट ऑफ बर्थ के हैं आपको वो डेट ऑफ बर्थ देना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिर से वेरीफाई करना होगा, आपको अपना फादर्स नेम देना होगा, फादर नेम भी आपको वेरीफाई करना है, आपको अपनी मम्मी का नाम देना होगा, अगले सेक्शन में आपको अपनी मम्मी का नाम भी फिर वेरीफाई करना है, आपको माइनॉरिटी स्टेटस बताना है। अगर आप माइनॉरिटी स्टेटस में आते हैं तो आपको यस करना है, नहीं आते हैं तो आपको नो करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर देना है, आप जो आपका मोबाइल नंबर है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, अगर कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको अपने क्लास 10th का बोर्ड का रोल नंबर देना है। अगर आपने 10th का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपके पास एक रोल नंबर होगा, वो आपको देना है। यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जैसे आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका कौन सा फेवरेट कलर है, कौन सा डिस फेवरेट है, कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है। तो आप ये सब कुछ डिटेल्स
सेलेक्ट करेंगे और इसमें फिल करेंगे। आपको आपसे यहाँ पे दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पे फिल करेंगे और एंड में आपको यहाँ पे अपना कैप्चा देना है। कैप्चा ध्यान से फिल करिएगा, इन सारी डिटेल्स को आप एक बार फाइनली वेरीफाई कर लीजिएगा। आपका नाम क्या है, फुल नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, खासकर फादर्स नेम, मदर्स नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, ये दो चीज़ ध्यान से फिल करिएगा। बोर्ड का रोल नंबर ध्यान से फिल करिएगा और एंड में कैप्चा वेरीफाई करके हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पास एक ऐसा पेज होगा ओपन, जिसमें आपके कुछ डिटेल्स रहेंगे और आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर आप एग्री करते हो तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, अगर आप कुछ अपडेट या चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे। आप अपनी डिटेल्स मिला लीजिए और फिर आप एग्री करते हैं तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करते ही एस्पिरेंट्स आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे एक एक ओटीपी जाएगी। अब कैंडिडेट्स आपके ईमेल आईडी पे और आपके फ़ोन नंबर पे एक एक ओटीपी जा चुकी है। जो आपका ओटीपी मोबाइल पे गया है वो आप ओटीपी यहां पे फिल करेंगे और जो ओटीपी ईमेल आईडी पे आई है आप उसको यहां फिल करेंगे। ओटीपी ध्यान से फिल करिएगा और फिर वेरीफाई ओटीपी हम क्लिक कर लेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपके आ गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन वन टाइम हो चुका है। ये है आपकी OTR आईडी, आप इसको कहीं लिख भी लीजिएगा, चाहे तो आप इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं या चाहे तो आप इसका प्रिंटआउट भी निकलवा सकते हैं। अभी हम इसका प्रिंटआउट नहीं निकलवाएंगे, हम इसे PDF में सेव करके रख ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप इसी पेज से चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने ईमेल आईडी से भी आपने ईमेल आईडी दे दिया है, मोबाइल नंबर दे दिया है, OTR आईडी दे दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप OTR से लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको अपना यहाँ पे OTR देना पड़ेगा, यानी OTR आईडी फिल करनी पड़ेगी। एस्पिरेंट्स आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, OTR आईडी डालनी है। हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और यहाँ पे हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे। गेट OTP पे क्लिक करते ही आपके पास एक OTP आएगी आपके फ़ोन नंबर पे, जो कि 30 सेकंड के लिए वैलिड है। आपको तुरंत उस OTP को यहाँ फिल करना है। उस OTP को हमने फिल किया और हम फिर कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल के हमें पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमारा ये पेज खुल गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे दे रहा है वेरीफाई करने के लिए हमारा OTR। एस्पिरेंट्स हम यहाँ एक एक डिटेल को चेक कर लेंगे और हम यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका ध्यान से देखिएगा, 8 करेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, उसमें एक अपर केस यानी एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक कम से कम स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक उसमें डिजिट होना चाहिए और एक उसमें स्पेशल करेक्टर यानी कि @ #, या अदर सिंबल्स जो होते हैं आप उन सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो एक अच्छा सा पासवर्ड बनाइएगा। आपका अगर पासवर्ड सभी कैटेगरी को मीट करता है तो आप ये चेकबॉक्स आ जाएगा और फिर हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही एस्पिरेंट्स आपका ये पेज ओपन हो चुका है, जिसमें आपको अपना नाम दिख रहा होगा और आपकी OTR आईडी यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, ये आपका OTR बन चुका है। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। अभी तक मैंने आपको जितना बताया है और उसी के अकॉर्डिंग आप सारे स्टेप्स कंप्लीट करिएगा। चलिए अब हम इससे आगे चलते हैं और मेन फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को समझते हैं। इस पेज पे पहुंच चुके हैं और अब हम फॉर्म फिलिंग के आगे के प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिख रहा है, इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी एप्लीकेशन दिखेगी। हमें NDA का फॉर्म फिल करना है तो हम NDA का फॉर्म फिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए नोटिस डेट दिख रहा है और लास्ट डेट दिख रहा है। हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, या तो हम अपना OTR को एडिट करें या अपडेट करें या पार्ट वन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के लिए क्लिक करें। तो हम अपना OTR अपडेट नहीं करना है, हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पे क्लिक करेंगे।
इस पर क्लिक करते ही आपका अब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग पेज आ चुका है। यहाँ पे हम एक एक डिटेल्स को पढ़ेंगे और उसके आगे के पार्ट को उसके आगे के पार्ट के लिए बढ़ेंगे। सारी डिटेल्स को कैंडिडेट आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा और तब यस पे क्लिक करेंगे हम। यस पे क्लिक करते ही हमारा डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिटेल्स कैसे आए। ये डिटेल्स कैंडिडेट, क्योंकि हम इससे पहले की एप्लीकेशन फॉर्म में ये देखते थे कि हमें पार्ट वन में सारी डिटेल्स देनी पड़ती थी, बट यही मैंने आपको बताया OTR का बड़ा फ़ायदा, आपने अपनी सारी डिटेल पहले ही दे दी है UPSC के वेबसाइट को, आपको हर बार अपनी डिटेल नहीं फिल करनी है। अब अगर आप मान लीजिए NDA सेकेंड 2023 का भी फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फिर से फॉर्म फिलिंग के इस स्टेप को नहीं करना रहेगा, वहाँ पे आपकी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन रहेगी। यहाँ पे आप अपना नेम मिला लीजिए, डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मिला लीजिए, मैरिड आप हैं अनमैरिड रहना है, कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे हम किस कम्युनिटी में आते हैं, और फिर हम अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन देख रहे हैं कि पास्ट 12th ऑफ 10+2 पैटर्न और एन इक्विवेलेंट एग्जाम बट नॉट हैविंग फिजिक्स एज द मेन सब्जेक्ट। दूसरा ऑप्शन है पास्ट 10+2 ऑफ स्कूल एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जाम विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो एज मेन सब्जेक्ट। तीसरा ऑप्शन है अपीयर्ड और अपीयरिंग एट ट्वेल्थ क्लास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट पैटर्न बट नॉट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एज मेन सब्जेक्ट। और चौथा ऑप्शन है कि अपीयरिंग 10+2 विथ हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ मेन सब्जेक्ट। आप इन चारों में से जो एजुकेशन क्वालिटी पोजेस करते हैं आप उस पर फिल करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है आप अपने आधार कार्ड से देख के यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। एड्रेस को फिल करने में ध्यान रखिएगा कि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, जो भी आपका एड्रेस आधार कार्ड में है आप उसी को फिल करेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको अपना पिन कोड देना है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड होगा। यहाँ पे कैंडिडेट्स आप देख रहे होंगे जितने भी ये कॉलम्स रेड मार्क्ड हैं, यानी इन सबको आपको फिल करना ही करना है, आप इसको लीव नहीं कर सकते हो। लास्ट सेक्शन जो है फ़ोन नंबर, ये रेड नहीं है तो आप इसे लीव भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मिला लीजिएगा और आपके पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे इनमें रीसेट, यानी अगर आप कुछ फिर से फिल करना चाहते हो तो रीसेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सब कुछ सारे ऑप्शन सही हैं तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमने सारा ऑप्शन मिला लिया है, हमें कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के साथ के बाद आप अगले स्टेप पे पहुंचेंगे, यानी कि आपको अब वेरिफिकेशन देना है अपनी हम आपके पास अपना फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड देना है, आप जो देना चाहते हैं स्कूल आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशूड कोई फ़ोटो आईडी है, वोटर आईडी है, जो भी देना चाहें आप वो देना चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर दे देते हैं, जो भी हम अपना आधार कार्ड नंबर है हम उसको आसानी से फिल करेंगे। अब उसके बाद अगले सेक्शन में आपको यहाँ पे अपना प्रीफ्रेंस सेलेक्ट करना है कि आप आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स या नेवल एकेडमी, आप किसे वरीयता देना चाहते हैं, ज़्यादा वरीयता कैसे देना चाहते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आर्मी को नंबर वन प्रेफरेंस देंगे, एयरफोर्स उसका आपके उसका अगला चॉइस है तो एयरफोर्स सेकंड देंगे, नेवल एकेडमी थर्ड चॉइस है थर्ड नेवल एकेडमी, फोर्थ नेवी है तो फोर्थ नेवी देंगे। आप अपने अनुसार आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपका कोई प्रेफरेंस नहीं है, मान लीजिए आप सिर्फ आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका नेवी, एयरफोर्स या नेवल एकेडमी ज्वाइन करने का कोई इच्छा नहीं है, तो आप सिर्फ एयरफोर्स आप सिर्फ आर्मी में सेलेक्ट करेंगे, यानी वन, और बाकी सबको आपको 0-0 कर देना है। इसके बाद हमसे पूछा गया है अगला कि वेदर आप क्या आप मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल के स्टूडेंट हैं। अगर आप हैं तो आपको येस पे करना है, अगर नहीं है तो आपको नो पे करना है। अगला सवाल पूछा गया है कि क्या आप किसी JCO, NCO या अदर रैंक ऑफिसर्स के बेटे हैं, या सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हैं। अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए।
इन डिटेल्स को मिलाने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आपका डिटेल आ चुका है। ये सारे डिटेल्स आपके आ चुके हैं जो आपने अभी फिल किया है। आपके पास अभी भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दे रहा है कि यदि आप अभी तक दी गई जानकारी को परिवर्तित करना चाहते हैं, यानी आप कोई चेंज करना चाहते हैं, कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो इस अपडेट बटन या सुधार बटन पे क्लिक करें। अगर आप इन डिटेल्स को मिला लीजिए, आपको कोई भी डिटेल आपको गलत लग रही है, तो आप इस अपडेट बटन पे क्लिक करके उसे सही कर सकते हैं। अगर आपका सारे डिटेल सही है तो आप यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा पे क्लिक फिल करने के बाद हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे, यानी मैं सहमत हूँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे फिर एक बार कहा जा रहा है कि अगर आपने इस बटन पे क्लिक कर दिया तो आप अभी पार्ट वन में रजिस्ट्रेशन में आपने जितनी जानकारी दी है आप उसे सही दोबारा नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आप एक बार मिला लीजिएगा और अगर आप पूरी तरह संतुष्ट हैं आपने दिए गए इन्फॉर्मेशन से तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आपको अपना पार्ट वन का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस आ चुका है। आप इसे प्रिंट करा लीजिएगा। ठीक है, हम इसे प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के बाद हम फिर बैक चलेंगे, यानी पिछले स्टेप पे। पिछले स्टेप का मतलब है कि आपको फिर से अपनी OTR लॉगिन करने पड़ेगी, क्योंकि NDA में हमें एक एक पार्ट वन एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, पार्ट टू दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो हम OTR फिर से लॉगिन करेंगे और अपनी डिटेल फिर से यहाँ देंगे। आप फिर से वापस उसी पेज पे पहुँच गए हैं जहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, अभी हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे जाएंगे और अब हमें यहाँ पार्ट टू रजिस्ट्रेशन में भी कुछ दिखने लगा है। यानी अभी हमसे कहा जा रहा है पे एग्जामिनेशन फी, अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी और सेंटर सिलेक्शन और डिक्लेरेशन एग्री करने के लिए। ठीक है, अब हम पार्ट टू रजिस्ट्रेशन की ओर बढ़ेंगे। अब हम अपने पार्ट टू रजिस्ट्रेशन की ओर बढ़ेंगे, यानी हम पहले एग्जामिनेशन फ़ी पे करने की तरफ बढ़ेंगे। अब एग्जामिनेशन फ़ी पे करने आपके पास दो तरीका है। पहला कि आप किसी स्टेट बैंक से फी पे करें, या आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग से पे करें। तो अब UPI का ज़माना है तो हम UPI से पे करते हैं या डेबिट कार्ड से पे करते हैं। ठीक है, तो आपके पास अदर ऑप्शन भी आ रहा है कि आप किस चीज़ से पे करना चाहते हैं। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है कि आप VPA से पे करना चाहते हैं या QR कोड से पे करना चाहते हैं। हम QR कोड पे सेलेक्ट करके कन्फर्म करेंगे। अब आपको इसको QR कोड को स्कैन करके पे करना है। अब कैंडिडेट्स हम देख रहे हैं कि हमारा पेमेंट हो चुका है, हम ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे होंगे कि ओके पे आपका पेमेंट हो चुका है। अब हमें अगली प्रोसेस को फिल करने के लिए कहा जा रहा है, यानी हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका भी यहाँ देख लीजिए, आपका एग्जामिनेशन फ़ी पेड हो चुका है, ग्रीन टिक हो चुका है। हमें अब फोटो साइन और फोटो आईडी कार्ड अपलोड करना है। फोटो साइन और फोटो आईडी कार्ड अपलोड करना है तो हम इस पर फोटो अपलोड करेंगे। आप डिटेल्स भी देख सकते हैं कि आपकी फोटो साइन और फोटो आई कार्ड की क्या डिटेल होनी चाहिए अपलोड करने के लिए। जैसे आपकी फ़ोटोग्राफ 350 पिक्सल / 350 पिक्सल होनी चाहिए, जिसकी 1000 पिक्सल विड्थ होनी चाहिए और 1000 पिक्सल हाइट होनी चाहिए। 300 KB से आपकी फ़ोटो लेस होनी चाहिए और 20 KB से आपकी फ़ोटो 20 KB से की ज़्यादा की साइज़ की होनी चाहिए। इन सभी आपके अगर फ़ोटो ये क्वालिटी पोजेस करती है तभी यह फिल हो पाएगा, वरना ये आपका अपलोड नहीं हो पाएगा। चलिए हम फोटो और आई कार्ड और सिग्नेचर ही अपलोड करके आपको दिखाते हैं। अब कैंडिडेट्स हम फोटो अपलोड करना देखते हैं। फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं अपना। सबसे पहले अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे, अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे,
फोटो अपलोड मैंने पहले ही कर चुका है और हम इस पर अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल आ चुकी है और फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पे अपलोड फोटो साइन एंड फोटो आईडी अपलोडेड पे भी ग्रीन टिक हो चुका है, यानी हमने पेमेंट भी कर दिया, हमारा फोटो भी अपलोड हो गया है, हमारा साइन भी अपलोड हो गया है और हमारा आधार कार्ड या जो भी हमारी वेरिफिकेशन आईडी थी, फोटो आईडी थी, वो भी अपलोड सक्सेसफुली हो चुकी है, ग्रीन टिक आ चुका है। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे यानी सेंटर सिलेक्शन पे। सेंटर सिलेक्शन पे बढ़ने के साथ ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर। यहाँ पे आपको जो भी 42 सेंटर्स हैं आपको उनमें से कोई एक सेंटर सेलेक्ट करना है जो कि आपके सबसे नियरेस्ट हो, तो हम अपनी सबसे नियरेस्ट सेंटर सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको हरियाणा आपके घर के सबसे नज़दीक है, बिहार पटना आपके सबसे नज़दीक है, जो भी सेंटर आपके सबसे नज़दीक है आप उस पर सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स हैं जो आपको पढ़ लेने हैं, यानी ये डिक्लेरेशन फॉर्म है एक तरह का। इसमें लिखा हुआ है कि आप ऊपर दिए गए अभी तक के सारे इन्फॉर्मेशन को एग्री करते हैं, आप उन सभी से सहमत हैं और आपने आपके द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन सही है। अगर एंट्री के यानी सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी स्टेप पे इनमें से कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई गलत पाई जाती है तो आपकी सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन सही दिया है तो हम आई हैव रेड डिक्लेरेशन एंड एग्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कैंडिडेट्स आप देख रहे होंगे कि आपका सारा फॉर्म फिल हो चुका है, सारी आपके स्टेप कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। अभी हम एप्लीकेशन स्टेटस भी देखेंगे, पार्ट वन कंप्लीटेड दिख रहा है, पार्ट टू भी कंप्लीटेड दिख रहा है, एप्लीकेशन पार्ट वन पार्ट टू कंप्लीटेड दिख रहा है और हम अब एप्लीकेशन अपना प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हियर पे और क्लिक हियर करने के बाद जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है वो ओपन हो जाएगा। तो एस्पिरेंट्स ये था NDA 1/2023 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का पूरा प्रोसेस। मैंने आपको OTR में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी बताया, पार्ट वन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी बताया, पार्ट टू कैसे करना है ये भी बताया, पेमेंट कैसे करना है ये भी बताया, फ़ोटो साइन और फ़ोटो आई कार्ड कैसे अपलोड करना है वो भी बताया और अंत में हम पहुँचे हैं एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने पे। तो ये आपका NDA का फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस था। डिटेल्स को डिटेल वीडियो को मैंने पूरी डिटेल में समझाने की कोशिश की, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ ना आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसी तरह एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा। अगला NDA का एग्ज़ाम का मौका आपको सितंबर में मिलेगा फिल करने का, तो मौका आपसे ना छूटे इसलिए जरूरी है कि आप इस बार ही एप्लीकेशन फॉर्म को बेहद ध्यान से फिल करें। आई होप एस्पिरेंट्स वीडियो आपको पसंद आई हो और एक और इन्फॉर्मेशन कि NDA 1/2023 एग्जामिनेशन को अब 3 महीने का समय बाकी है। इन 3 मंथ्स के लिए मेजर कल्सी क्लासेस ने स्पेशल 3 मंथ्स बैच लॉन्च कर दी है। ये बैच ऑफलाइन है और आप इस बैच का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट पे भी आपको डिटेल दी गई है। NDA 1/2023 स्कोर 550+ मार्क्स। ये 550 प्लस मार्क्स ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मोटिव आपको सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन नहीं बल्कि मेरिट लिस्ट तक पहुंचाना होता है। मेजर कल्सी क्लासेस ने रुद्र बैच के जरिए यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस भी लॉन्च कर दिया है। MKC NDA फाउंडेशन चैनल पे डेली दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक लाइव क्लासेस चलती हैं जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। सो एस्पिरेंट्स जुड़िए मेजर कल्सी क्लासेस के साथ और NDA 1/2023 को करिए 100% क्रैक। वीडियो आपको आई होप समझ आ गई होगी। किसी भी ड्यूटी किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट्स जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।